नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है विशाल महंती जी, पुरुलिया वेस्ट बंगाल से। कान से संबंधित इनका बिंदु है जिसके चलते आप हमारे पास पहुँचे हैं और हम देखना चाहेंगे कि कान में क्या चल रहा है। प्लीज शो द बॉन्ड। Large tympanic perforation with discharge in C2. ये पर्दे में छेद हैं और ये साथ में दो सफेद चकत्ते दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट वाला बड़ा है, ये सफेद चकत्ते का बिंदु है टिम्पेनोस्क्लेरोसिस, जो चमक रहा है दिखाई दे रहा है। ये दूसरा टिम्पेनोस्क्लेरोसिस है और नीचे बड़ा छेद है, देख रहे हैं ये निचला हिस्सा जो है ना, इसमें बड़ा छेद है। हाँ हाँ, निचला हिस्सा आप बताइए। हाँ विकास जी, आप बता दीजिए। हाँ, ये पूरा बड़ा छेद है, ये पूरा बड़ा छेद है। और टिम्पेनोस्क्लेरोसिस भी बताइए, सफ़ेद चकत्ता, ये देखिए, वो देखिए, ये सफ़ेद चकत्ता चमक रहा है वाइट। हाँ सर। और ये केरा, ये दोनों तरफ बचे हुए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे सफ़ेद चकत्ता। तो दूसरा कान भी दिखा दीजिए इस तरफ। जी, इस कान में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर। टीम द्वारा अब इनकी विभिन्न जांच करके कान का संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा और उनके अनुरूप इसका उपचार किया जाएगा। थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है बिशन महाते, पुरुलिया वेस्ट बंगाल से। आप अपना एक बार संक्षिप्त परिचय दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम विशाल महंती है जी। हम वेस्ट बंगाल से जी हैं जी। और मेरा कान के पर्दे में छेद है जी, इसीलिए हम आए हैं। एसएससी जीडी में आपने अपना रैंक प्राप्त किया है और कान से संबंधित आपका बिंदु है जिसके लिए आप हमारे पास पहुंचे हैं। और आपके कान के बिंदु सफ़ेद चकत्ता, टिम्पेनोस्क्लेरोसिस और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के लिए एक साथ ऑपरेशन किया जाएगा और आपके इन दोनों बिंदुओं का निवारण किया जाएगा ताकि आप अपनी मेरिट को और मजबूत बना सकें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। थैंक यू। विशाल जी सर, कैसे हैं? विशाल जी, आपके कान से निकाल गए टिम्पेनोस्क्लेरोटिक पैड सफ़ेद चकत्ते को हम देख पा रहे हैं और हाई रेजोल्यूशन हम देख रहे हैं। ये है TS पैच सफ़ेद चकत्ता निकाले जाने के बाद में। और अब आपके पर्दे को रिप्लेस किया जा रहा है। ख्याल जी, आपका कान ऑपरेट हो गया है। आपके दोनों बिंदु टिम्पेनोस्क्लेरोटिक पैच यानी सफ़ेद चकत्ता और पर्दे में छेद यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, दोनों बिंदुओं का निवारण हो गया है। ऑपरेशन के बाद कान के आंतरिक हिस्से में हम बीटाडीन युक्त ड्रेसिंग देख रहे हैं और कान के पिछले हिस्से को दिखा दीजिए। हम देख रहे हैं कान का पिछला हिस्सा पूर्णतः नीट एंड क्लीन है। यहाँ किसी प्रकार का कोई चीरा कट टाका निशान नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा ट्रांसकैनल ट्रांसमेटल अप्रोच से किया गया है। हालांकि इस अप्रोच में आपके कान को करने में बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपका कान का रास्ता टेढ़ा था, ठीक है। उसको नेगोशिएट किया गया है ओसिकुलोप्लास्टी कैनालोप्लास्टी द्वारा। और अब हम मिलना चाहेंगे विशाल मोहते जी से। विशाल जी, आंखें खोल लीजिए। ओके, ऑल वेल। हाँ सर, ठीक हैं? हाँ सर, ठीक है। ठीक हैं आप? अपने गांव और ज़िले के बारे में बताइए। मैं सर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी और यहाँ आया हूँ। जिला वेस्ट बंगाल? जिला वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और आसपास के राज्यों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे उन अभ्यर्थियों को जो सिमिलर पॉइंट्स, सिमिलर प्रॉब्लम्स के चलते भर्तियों से लगातार वंचित रह रहे हैं? यहाँ ये आप लोग और ठीक करा के जाए क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। ऑपरेशन में अभी कोई सब सही है। कोई दर्द तकलीफ तो नहीं रही ऑपरेशन के दौरान? नहीं सर। ओके, दर्द नहीं है। ठीक है, आप संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से? हाँ सर। ठीक है, स्माइल कर सकते हैं आप अगर संतुष्ट हैं तो? हाँ सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।